वहाँ से इजाज़त ले रहे हैं, कहीं जाना है उनको किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए निकल रहे हैं। सर, क्या सब्जेक्ट है ये जो नया फिल्म है और क्या कॉन्सेप्ट नए कलाकार को मौका देते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा रिस्क होता है कि लोग नामी नामी फिल्म देखना चाहते हैं स्क्रीन पे? देखिए, इनमें से मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई बना तो कल आके मेरे पैर छुएगा और बोलेगा सर आपकी वजह से बना है ना। नामी ग्रामीण को लेके तो सब काम करते हैं, लेकिन अगर इनको लेके काम करना जितना मुश्किल काम है उतना आसान भी है। इनको मुझे आगे बढ़ाना है, मुझसे जुड़ते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं अपना वर्क करता हूँ। ये सिलेक्शन करते हैं आर्टिस्ट का, ये क्या सिलेक्शन का तरीका क्या होता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं? ये लोग अपनी इच्छा के अनुसार ऑडिशन वगैरह देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इनमें क्या क्या कैटेगरी कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते तो प्लेटफॉर्म देते हैं, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। सर हमारे कैमरा मैन है राजी राजी जी। राजी बताइए, कह रहे हैं अली सर के बारे में, नए लोगों को मौका देते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ नया कुछ अलग। दिल बड़ा चाहिए कोई मौका मिल सकता है, अली भाई के पास बहुत दिल बड़ा है, यही मौका देते हैं और यही इनके लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं और इनको ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। कब से जुड़े हैं अली सर से आप? अली भाई के साथ मैं पिछले 6 साल से जुड़ा हूँ। सब कमर्शियल प्रोजेक्ट रहेंगे, कमर्शियल रहेंगे और क्राइम बेस्ड रहेंगे। मेरी वन जवान शुरू होगी इसके बाद, वो जल्दी शुरू होगी, लेकिन जब तक माया कंप्लीट नहीं कर देता हूँ जब तक दूसरे प्रोजेक्ट पर हाथ नहीं डालता। उसके बाद मेरी एक फिल्म मराठी भी है जिसकी तैयारी चल रही है बहुत सारी, अभी नहीं बोलूँ। माया का हॉरर थ्रिलर है, माया हॉरर थ्रिलर है, इसमें 4 अलग अलग कहानियाँ हैं, क्लाइमेक्स में जाके ये जुड़ती है कि ये हुआ तो हुआ क्यों। सस्पेंस है। ये भी चाहूंगा कि काफी मैं जानता हूँ आपको, तो नए कलाकारों का मौका देने का ये मतलब तो नहीं कि आपने भी ट्राई किया एक्टर के तौर पे, मौका मिला? मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे जबरदस्ती एक एक्टर बनाया जा रहा था। मेरा एक दोस्त है एंड्रू करके, बड़ा प्रोजेक्ट था, नाम नहीं लूंगा, और बहुत बड़े लेवल पर था। एक नेता का करेक्टर के लिए मेरे को उसने अपॉइंट किया था, बट मैंने गया नहीं। उसने बोला कल तेरा शूटिंग है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बनना है डायरेक्टर, तो मैं वही अपने फील्ड में कदम रखूंगा। एक्चुअल मैं आपको अब एक मेन चीज बताता हूँ कि नए लोगों को काम देने का मतलब है इनका विश्वास रखना। इंडस्ट्री में 90% फ्रॉड है। मैं अपना वर्क करता हूँ, इन लोगों को जितना ट्रेनिंग दे सकता हूँ देता हूँ, उसके हिसाब से उनको वर्क देने के बाद स्टैंड करता हूँ, आगे इनकी किस्मत। यस यस यस, लखनऊ, इलाहाबाद, बिहार, कश्मीर, पंजाब, एक्स वाई जेड, ऑल ओवर इंडिया, MP, वो सब इंट्रोडक्शन देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये चंद बड़े नाम मतलब राज करते हैं इंडस्ट्री में, जो बड़े नाम है, किसी डायरेक्टर की बात कर लें, प्रोड्यूसर की बात कर लें, तो क्या कहते हैं नए लोग को कितना मुश्किल है डायरेक्टर का, आपको ही कितना मुश्किल होगा आगे बढ़ना जब इतने सालों से वही स्टाफ राज कर रहे हैं, वही प्रोड्यूसर्स, वही डायरेक्टर्स? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वही लोग राज करते रहेंगे तो नए राजघराने नहीं बनेंगे, है ना। तो हमें हटके कुछ करना है, हमें नए लोगों को उस स्टैंड तक पहुंचाना है, तैयार करना। इनमें से कौन कब कितना बड़ा राजा बनेगा नहीं मालूम, और सलमान खान ज़्यादा दिन तक तो भाई जवान रहने वाला नहीं, वो भी कभी बुढ़ा होगा, तो दूसरा सलमान तो चाहिए नहीं चाहिए। और आज के दौर में साउथ फिल्मों का क्रेज हो रहा है, ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि बॉलीवुड का उस तरह का क्रेज रहा नहीं है। अभी 2 फिल्में आई, रनवे 34 आया, सुपर टॉप रहा, उसके अलावा आपको दूसरी फिल्म कौन सी थी? मैं तो इतना जानता हूँ कि बॉलीवुड में अब स्क्रिप्ट नहीं बची है, जो साउथ की स्क्रिप्ट है उनको कॉपी करके लोग बनाते हैं, पहले से वो हम फिल्में देख चुके हैं तो दोबारा देखने हम क्यों जाएंगे उसी स्टोरी पे, हम कुछ नया देखना चाहते हैं। माया फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं BS अली, और बैनर है ग्रीन वर्ल्ड मीडिया प्रोडक्शन। ग्रीन वर्ल्ड मीडिया प्रोडक्शन। म्यूजिक भी है उसमें, गाने भी? यस, म्यूजिक भी है, ज़्यादा नहीं है, 2 गाने। ठीक है, और बुलाने भी आपके लिए। थैंक यू। हाँ भाई, मायापुरी से आइए।
यस राज भाई पटिया अभी इधर आइए। जो बोलना आराम से बोलना ठीक है। मैं भी एक एक्टर भी हूँ डायरेक्टर भी हूँ। फिर से शुरुआत की है सर परिचय जी अपना जाना चाहूंगा स्टूडेंट के बारे में और बीएसएससी जी के बारे में जो स्टूडेंट जी। मेरा नाम रामदास जी भोर। मैं अली सर के पास बहुत साल से जुड़ा हूँ। मैं उनके यहाँ से ही शुरुआत की एक्टिंग की शुरुआत उनके यहाँ से की। आज मैंने फिल्म डायरेक्ट करना भी चालू कर दिया प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दिया और एक्टर में भी काम कर रहा हूँ फिलहाल। अभी सर का जो प्रोजेक्ट है इसमें मैं छोटा सा रोल कर रहा हूँ जो फौजी का रोल है। सुमान जी हाँ फौजी का रोल है वो मैं कर रहा हूँ। क्या प्रोफाइल क्या क्या कैसे पहले आपने जी इससे पहले मैंने स्लमडॉग करोड़पति एक उसमें मेन लीड का विलन का कैरेक्टर किया है जो अभी और भाग का आता भाग उसमें भी विलन का कैरेक्टर किया मतलब बहुत सारे फिल्म किए कम से कम 10-12 फिल्म किए मैंने। कई रिलीज हुई है कई बाकी है। जब बहुत ही अच्छा पाया हूँ जैसे मैं उनके पास जुड़ा हो तो मुझे कुछ नहीं आता था जैसे जुड़ा हो एक्टिंग भी सीखा उन्हीं के यहाँ से। आज मैं डायरेक्टर बन चुका होता और क्या होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर अपना मुकाम हासिल कर चुका हूँ उस हिसाब से अच्छा एक्टिंग में भी काम कर रहा हूँ अच्छी तरह से। जी अभी मराठी सिनेमा भी बना रहा हूँ आगे उसका मैं आपको बता दूंगा कि फिल्म का नाम वगैरह सब डिक्लेयर कर दूंगा मीडिया के सामने और आदि सर हमारे साथ में वो फिल्म में रहेंगे वो मेरे गुरु है और मैं उनका शिष्य हूँ। नमस्ते भेजिए मैडम अभी एक ही आ सकता हाँ मैं अभी उठूंगा उसके बाद आपको हाँ दो तीन का अभी मैं उठूंगा ना खाली इतना लास्ट कर दूंगा मेरा नाम सुकेशन ज्ञान बहन होते हैं और मैं नई मुंबई सानपाड़ा सेक्टर 5 से आई हूँ। अली सर से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे फिल्म ऐसा है कि न्यूज़ के सहारे न्यूज़ में ऐड आई थी ना तो ऐड के सहारे में इनके साथ जुड़ गई। मैं यही चाहती हूँ कि अली सर के साथ अच्छा सा काम करूँ और उसका नाम रोशन करूँ उनका। भेजिए मैडम बड़े वाला डलवा लो सेटिंग डिपार्टमेंट ये घुमा दो क्या सोफा ये ऐसे कर लो तीन तीन बैठ जाएंगे घुमा लीजिए सोफा बड़ा तीन तीन बैठ जाएंगे तीन तीन इसको बैठ जाओ इसको भी बैठा लो बैठो 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 ऐसा नहीं वो कैमरे और एक जा दिव्या थोड़ा जोर से बोलिएगा बोलिए जी अपना नाम बताइए पहले और जाना चाहिए स्पिरिट के बारे में क्या किरदार है और बीएस लेजी के बारे में। मेरा नाम सोनिया सिंह है मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और सर के थ्रू मुझे इस मूवी में मौका मिला है वर्क करने का। मैं लीड रोल का निभा रही हूँ और सर के साथ में वर्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत ही सर बहुत ही अच्छे हैं जो वर्क करना चाहता है आगे बढ़ना चाहता है उसको सर सपोर्ट करते हैं और मैं चाहती हूँ कि सर ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हम लोग आगे बढ़ते रहें। तो पहले प्रोजेक्ट कर रही हैं आपने पहले कुछ किया आपने? जी नहीं मैंने पहले एक मूवी किया है हॉरर मूवी है ये ताकत एक्स की और ये सेकेंड आप नाम बताइए और
मेरा नाम वैष्णवी है, मैं अहमदनगर से हूँ। न्यूज़पेपर में एक ऐड आई थी तो मैंने ना सर को कॉल किया था, सर ने ऑडिशन के लिए बुलाया तो फिर मैंने ऑडिशन दिया। सर ने कहा कि अच्छा किया है ना, और सर बहुत अच्छे हैं कि सर ने मुझे इस फिल्म में चांस दिया है। मैं अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत एक्साइटमेंट हूँ, और मुझे बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था, और मैं क्या फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती थी। और मेरा सपना सर की वजह से, मैम की वजह से पूरा हो रहा है, इसलिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मैं अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत अच्छे से करूँगी। मेरा नाम दिव्या है, मैं अहमदनगर से बिलोंग करती हूँ, और मुझे फिल्म के बारे में वैष्णवी ने बताया तो मैंने मैम को कॉल किया था, तो उन्होंने बोला आप सर से बात कर लो, और मुझे सर के साथ फिल्म करने का बहुत शौक था, तो फिर अभी मैं अपना कैरेक्टर अच्छे से निभा रही हूं। थैंक यू। मुझे अली सर का नंबर मिला गूगल पे से, बोला गया, और अली सर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और अली सर के साथ काम करने का। मेरा नाम सुरेखा सोनोन है, भांडुप की रहने वाली है। तो हम लोग ऐसे पेपर में ऐड देखा और वो नंबर दे के हमने सर को कॉल किया, सर ने हम लोग को ऑडिशन को बुलाया। आज हम लोग ने उसने ऐसे मौका दिया कि चलो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, हम उसके धन्यवाद हैं। मेरा नाम रिहाना है, मैं इंदौर से हूँ, और इससे पहले एक बार आ चुकी हूँ, दूसरी बार आई हूँ। मैं अली सर के संग काम करना चाहती हूँ, उनके संग जुड़ी हूँ, और आगे भी लगन मेहनत से काम करूँगी, आगे भी दिल लगा के अरुण सर के संग काम करूँगी, और है ना कि मेरे को बहन का किरदार मिला। और पेपर में न्यूज़ देखा, उसमें नंबर था सर का, तो उस पर कॉल किया तो सर ने सपोर्ट किए, अभी माँ का रोल मुझे दे रहे हैं, काम करने में अच्छा लग रहा है। सर मेरा नाम दिनेश गुप्ता है, रहने वाला यूपी अलीगढ़ से हूँ। सर मुझे गूगल से नंबर मिला था सर का, तो मैंने कॉल किया तो सर ने मुझे किस माया भी माया के रोल में जोड़ा था, तो सर मुझे स्टूडेंट का रोल मिला। मैं नासिक से हूँ, मेरा नाम शोभा यादव है, और मैं पेपर में ऐड देख के मैंने कॉल किया अली सर को, सपना मैम को कॉल किया, तो मेरे को माँ का रोल दिया जा रहा है, आगे का रोल अच्छा निभाओगी, और सर सा अली सर का भी थैंक यू बोलती हूँ मैं, सब नाम को भी थैंक यू। मौका दिया इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और भी आगे अच्छा से काम कर सकूँ उनके निर्देशन में। मैं प्रसन्न शेट्टी हूँ, मैं अहमदनगर से आया हूँ, और मेरे पेपर में इसकी ऐड दिखी थी, और मैंने आली सर से कांटेक्ट किया, वो बोले इधर आओ, वो बहुत अच्छे हैं, उनका काम भी बहुत अच्छा है, और मैं इस कैरेक्टर में मेरा धीरज का रोल है, और है मेरे माँ बाप है इसमें। आई एम कवित्री, आई एम स्टार मेकर सिंगर राम मंगलवेड़ा। मैंने आली सर का नंबर लेके उन्हें खुद के लिए मैंने ऐसा कंफर्म किया कि हम कुछ बन सकते हैं, अपनी पहचान बन सकते हैं, इसलिए मैंने सपना मैम को फ़ोन करके पूछा कि हाँ तुम आ सकती हो, तो रोल करके मैंने मुझे इस फिल्म में माँ का रोल मिला है, धीरज की माँ हूँ मैं इस फिल्म में। ओएलएक्स पे मिली, और मैं ऑडिशन के लिए सपना मैडम के पास गया, सपना मैडम के पास गया, वहाँ पर ऑडिशन हुआ, मैं थैंक यू बोला जाता हूँ सपना मैडम को और आदि सर को कि मेरे को इस प्रोजेक्ट में काम दिए, और थैंक यू। और सर ने अभी जो हमें फिल्म दी है उसमें हम शूटिंग कर रहे हैं, मेरा यही कहना है कि मेरा अच्छा कर हो जाए, बहुत अच्छा है। सर मेरा नाम उषा कटवा है, उषा कटवा, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और मैं सर से ट्विटर से जुड़ी हुई हूँ, सर ने मुझे मौका दिया है। मैं तो मतलब आज के ज़माने में बोला जाता है कि लड़के और लड़कियां दोनों बराबर में रखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी लड़कियों पर पर्दे के रूप में रखा जाता है, और मैं उसी जगह से बिलोंग करती हूं, तो सर से कुछ इसी तरीके से मतलब जान पहचान हुई, तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया,
बट मुझे कोई आशा नहीं थी कि मैं यहाँ तक आ सकती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ट्विटर के जरिए उन्होंने बोला कि क्या आप मुंबई आ सकती हैं, तो मुझे लगा कि ये फेक होगा या मजाक होगा, इसलिए मैंने पूरी जानकारी निकाली। पूरी जानकारी निकालने के बाद में मैंने इनसे बात की तो उन्होंने बोला कि आप आइए यहाँ पर, आने के बाद एक बार देख लीजिए, आपको लगता है तो कोई काम कीजिए। तो यहाँ पर आया, सब चीज़ ठीक लगा, मुझे अच्छा लगा। और ये चीज़ लगा कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों को देख करके, हैसियत देख करके और काम को देख करके, बहुत सी चीज़ों को देख करके आगे बढ़ाते हैं, बट ये ऐसे नहीं कहते हैं, ये सीधा डायरेक्ट क्वालिटी को देखते हैं, मजबूरी को देखते हैं और ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के ला रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं उतनी दूर से, मतलब सब चीज़ों को छोड़ करके, बंधनों को तोड़ करके मैं इतने दूर तक यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा नाम समर्थ मलिश है, मैं लातूर महाराष्ट्र से हूँ। पेपर में ऐड देख करके मैंने कॉन्टेक्ट किया था और उनसे जुड़ा हूँ। अभी मुझे प्रोफेसर का रोल मिला है और प्रोफेसर का रोल मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा और इनके आगे भी मैं इनसे और साथ जुड़ने का प्रयत्न करूँगा। थैंक यू। और मुझे अली सर ने और सपना मैम ने ये चांस दिया है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया है। हम लोग जैसे को कोई देता नहीं है पर उन्होंने दिया है। थैंक यू अली सर और सपना मैम। मेरा नाम रुद्र है, मैं भांडुप से आया हूँ और मेरे को अली सर और सपना मैम ने लिया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को लिया, मेरे को एक चांस दिया और मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। थैंक यू सपना मैम। सपना मैम और मेरा नाम रानी है, मैं उल्लासनगर से आई हूँ। सपना मैडम ने मेरे को एक फिल्म का चांस दिया है, उसमें मेनका हम दिखता है, उसके लिए बहुत उनके लिए थैंक यू। जामनगर से बिलोंग करता हूँ। सर से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ तो उसने मुझे यहाँ आने का मौका दिया तो मैं दिल से अली सर का आभारी हूँ। थैंक यू। माय नेम इज पवन, आई केम फ्रॉम विजयनगर नियर बाय विशाखापट्टनम से आया हूँ। आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट बाय क्रिकना। आई टॉक टू अली सर, फर्स्ट टाइम आई डोंट बिलीव द पीपल, नाउ आई एम हियर ना, I have to say Ali sir was selected to me Hindi film. Okay, thank you. My name is Ishu Bhadia from Kulla. I need a tutor. So I can be Ali sir and audition of the Mumbai Goregaon. Maine audition diya, so sir ne mujhe select kiya. Main us kaam ko apne usi tarike se kar raha hu. आई होप यू कि मैं उस काम को और अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, सबने मुझे सुना, तो थैंक्स। मेरा नाम सुनीता सहानी है। ऐसे न्यूज़पेपर में मैंने सर का नंबर ली और सर को कॉल की तो सर ने मुझे बुलाया और मैं आई, तो सर ने मुझे आज बहू का रोल दिया और मुझे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। अली सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सपना मैम को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम हिमानी शर्मा है और मैं नवी मुंबई खानगढ़ में रहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि सर और मैम ने मुझे एक स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट कैरेक्टर का रोल दिया है और मैंने सर का नंबर गूगल से फाइंड आउट किया है और मैं यही चाहती हूँ कि सर और मैम मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं मेरी पूरी कोशिश और मेहनत करूँगी कि मैं मेरा रोल एकदम अच्छे से निभाऊँ। थैंक यू। माय नेम इज स्वप्नाली, मैं अंधेरी से रहने वाली हूँ और मैं सर से पिछले 4-5 साल से साथ में हूँ। पहले भी मैंने काम कर चुकी हूँ और इस मूवी में स्टूडेंट कैरेक्टर है मेरा स्टूडेंट का और उम्मीद है सस्पेंस मूवी है, सो आई होप आप सब इंजॉय करें देखने के बाद। थैंक यू। आई एम स्वप्नाली वाइकर, मैं अंधेरी से हूँ और मैं सर से पिछली 4-5 साल से कांटेक्ट में हूँ और पहले भी काम कर चुकी हूँ, सो अच्छा एक्सपीरियंस है। आई होप सब न्यू जो है आर्टिस्ट वो भी अच्छा करे और सस्पेंस मूवी है, इस बार इतना नहीं मैं बोल पाऊँगी। थैंक यू। मैं अली सर से 4-5 साल से कांटेक्ट में हूँ, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया और अच्छे से समझाया
मैं उनका दिल सबक करता हूँ। आप बताओ बच्चा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया जमाली है। मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं इस फील्ड में काम करती हूँ। अच्छा, मैं बहुत बड़ी होके बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। सभी मीडिया को थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम रिहाना है। अभी मैंने इंटर को दे चुकी इससे पहले। मेरा नाम रिहाना है। मैं इंदौर से हूँ। मैं अली सर के संग काम पे से जुड़ी हूँ और दिल लगाकर काम करूँगी, आगे भी करूँगी। दो लाइन बोलना चाहती हूँ अली सर के लिए। कुछ सर, मैं सर का शुक्रिया करूँगी क्योंकि उनकी वजह से मैं आज इस तक पहुँच पाई हूँ और मैं बड़े होकर उनका बहुत आभार मानूंगी। हाय, मेरा नाम अभिभूत्र है। मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर से आया हूँ। मैं इसके पहले भी पीएस अली सर के साथ काम कर चुका हूँ और आगे भी करना चाहता हूँ। मेरा इस माया का बदलाव किरदार में मेरा रुद्रा का कैरेक्टर है।